हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनी गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, ये क्रोटोन का एक प्लांट है मेरे पास में, जो मैंने फ्रेंड्स एक साल के तकरीबन इसको परचेस किया था। मैं नर्सरी से इसे लेकर आई थी, ये काफ़ी छोटा था, और तब से फ्रेंड्स मैं इसको इस छोटी सी बकेट में मैंने लगा दिया था। फ्रेंड्स बकेट तो नहीं कहेंगे, फ्रेंड्स इसे एक पानी की वाटर की कैन थी, मैंने उसे ऊपर से यहाँ से काट दिया था और मैंने उसी में इसे ग्रो कर दिया था। तो फ्रेंड्स मैं जब लेकर आई थी तो मैंने इसकी जो नीचे की तरफ देखा था तो इसमें से दो पौधे निकले हुए थे, तो मैंने आगे चल के ये सोचा था कि इसे निकाल कर फ्रेंड्स मैं दो प्लांट बना लूंगी, लेकिन ये इतना प्यारा इतना बुशी हो गया था तो मुझे इसे अलग करने की इच्छा नहीं हुई। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि आप भी देख कर आश्चर्य करेंगे कि इसकी काफ़ी रूट रोटिंग हो गई है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो अब मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ फ्रेंड्स, और रिपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैंने मिट्टी पहले से तैयार कर ली है और इस तरीके का मैंने पॉट लिया है फ्रेंड्स कि ये काफ़ी बड़ा है। और क्रोटोन को फ्रेंड्स जो होता है कि बार बार अगर इसकी रिपोर्टिंग की जाए या इसका जो जगह है स्पेस इस वहाँ पर इसे बार बार अगर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाए तो इसे पसंद नहीं होता, इसे ह्यूमिडिटी पसंद होती है फ्रेंड्स, ताकि इसे बहुत सारे जो प्लांट है, जैसे इस तरफ आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्लांट रखे हुए हैं मैं यहीं पर इसे रखती हूँ बीच में, तो इसे ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद रहती है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। इनको बार बार जगह बदलना, इनको बार बार मिट्टी या सॉइल चेंज करना या फिर रिपोर्टिंग इन्हें पसंद नहीं होती है फ्रेंड्स, तो इसलिए इनकी रिपोर्टिंग को आप इस मतलब कहने का ये है फ्रेंड्स कि आप इन्हें एक बार अगर नर्सरी से लेकर आएँ तो फिर इन्हें ऐसा पॉट दीजिए जहाँ पर ये अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ा सके और इनकी सॉइल को आप इस तरीके से तैयार कर सके कि ये ग्रोथ अच्छे से कर पाएँ। इन्हें बार बार पॉट चेंज करना पसंद नहीं है, तो आप इसे एक ही बार में इतना बड़ा पॉट दे दें कि ये एक या दो साल आराम से इसमें ग्रोथ कर पाए। तो फ्रेंड्स एक साल हो गया है इसे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, और अब मैं इसे इस पॉट में दूंगी ताकि ये तीन से चार साल तक आराम से इसमें ग्रोथ करेगा तो भी इसको ये पॉट छोटा नहीं पड़ेगा। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, और निकालने के बाद में मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ कि मैं इसको बीच में से दो करके इसको थोड़े थोड़े जगह के साथ में इसे यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ी दूरी पर, तो फ्रेंड्स ऐसा होगा कि ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और थोड़ा बुशी भी लगेगा। तो इसका डिवाइड करके अलग अलग लगाने से अच्छा है फ्रेंड्स कि मैं एक ही पॉट में इसे लगा दूँ ताकि ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत लगे। तो इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई थी फ्रेंड्स, और कटिंग्स की वीडियो भी मैंने आपके साथ में अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किए, तो वो दो प्लांट भी मेरे पास में तैयार हो गए हैं, तो उनके भी फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से लगाऊंगी कि वो भी काफ़ी अच्छे बुशी हो जाएं और एक साल के बाद में फिर उनको भी अच्छा बड़ा पॉट दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसे निकालती हूँ, ये काफ़ी रूट रोटिंग हो गई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी भी अंदर नहीं जा रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल से निकलेगा, तो मैं इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी किस तरीके से रूट रोटिंग हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी रूट्स पूरे पॉट में पूरी तरीके से एकदम से भीग गई थी और इसके अंदर पानी नहीं जा पा रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसे बीच में से यहाँ से कट कर लूँ, तो मुझे थोड़ी मिट्टी हटानी होगी, मैं फटाफट से इसकी मिट्टी निकालती हूँ और बीच में से निकाल कर इसे दो पार्ट में कर लेती हूँ, और फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग करते हुए आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये एक ब्रांच थी और उस ब्रांच में से दो पार्ट निकले हुए थे और मैंने इन्हें अलग कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स मैं जो ब्रांच खुल गई है इसके ऊपर मैं फंगीसाइड लगा दूंगी ताकि इसे फंगस ना लगे, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा मॉइस्चर वाला है, मॉनसून के जाने के बाद में जो ठंड धीरे धीरे आती है उसमें फ्रेंड्स जो हमारे प्लांट है उसमें फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, स्पेशली जो हमारे प्लांट में जो इंसेक्ट लगते हैं उनका डर ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड का यूज़ करिए अपने प्लांट को लगाते वक्त, और फिर बाद में भी उन पर फंगीसाइड का पानी दीजिए तो ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा आपके प्लांट को, आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगी, मरेंगे नहीं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी चलेगी फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको लगाना है, तो मैंने लगा दिया है फ्रेंड्स, अब मैं इसे ग्रो कर देती हूँ फटाफट से। फाइनली फ्रेंड्स देखिए क्रोटोन की मेरी जो रिपोर्टिंग करनी थी वो हो गई है, और मैंने यहाँ पर फंगीसाइड डाल दिया है फ्रेंड्स, फंगीसाइड का पानी डालती हूँ, तो इस वक्त मैंने
पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसे इतना पानी दूंगी कि इसके ड्रेनेज होल से निकल जाए और मैं इसे शेडी एरिया में रखूंगी फ्रेंड्स जब तक इसकी मिट्टी जो है अभी पानी देने के बाद में सूख नहीं जाती। तो आपको जो प्लांट है उसकी रिपोर्टिंग आप करते हैं चाहे कोई से भी मौसम में हो, लेकिन उसे शेडी एरिया में रखना जरूरी होता है। और स्पेशली फ्रेंड्स उसकी जो मिट्टी है उसमें आप एप्सम सॉल्ट जरूर मिलाइए। अगर आप एप्सम सॉल्ट नहीं मिला पाते हैं, भूल जाते हैं मिट्टी में मिलाना, तो फ्रेंड्स आप एप्सम सॉल्ट को पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के इसके ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो प्लांट है उसको शॉक नहीं लगेगा। हमने इसकी जो बीच में से कटिंग की है, इसकी जो रूट्स को हमने काटा है, तो उसको थोड़ा सा शॉक होता है तो पत्तियां मुरझा जाती है, ढीली हो जाती हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा पीली होकर गिरने लगती हैं, पौधा ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो एप्सम सॉल्ट इसको शॉक में से बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप एप्सम सॉल्ट को यूज कीजिए फ्रेंड्स और पानी इतना दीजिए फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम कि ये अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, और फिर उसके बाद में आप दोबारा पानी तब देंगे जब आप इसे शेडी एरिया से थोड़ा बाहर निकालेंगे। तो एकदम से आप इसको धूप में निकाल के ना रखें, इसको इस तरीके से रखें कि थोड़ा सा इसको सुबह की या शाम की थोड़ी सी 1 या 2 घंटे की सनलाइट मिले। तो देखिए फ्रेंड्स ड्रेन आउट में से पानी निकल के बाहर आ रहा है यहाँ से, और मिट्टी आपको ऐसी ही बनानी है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट में ज़्यादातर पानी ना रुके और फटाफट से आपके प्लांट में से निकल जाए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की क्रोटोन की रिपोर्टिंग वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।